हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सोनिया। सो आज मैं अपना ब्लॉग शूट करने जा रही हूँ एंड राइट नाउ जस्ट फिनिश माय मेकअप वीडियो एंड दिस मेकअप लुक कमिंग सून। स्टे ट्यून, दिस इज़ वेरी इजी। आई जस्ट क्रिएट विद द टू आई शेडोज एंड दिस इज़ बहुत ही इजी टू क्रिएट करनी है। आज मैं आपके साथ बहुत कुछ शेयर करने वाली हूँ and so many tips and tricks and my DIY and my decorations idea, so many things मैं आपके साथ share करने वाली हूँ। First आप देखें morning में क्या बनाया, so एक recipe show करने वाली हूँ। Here guys, ये white pasta with a broccoli I made for my kids for lunch. They're taking this for school. White pasta with the broccoli. First, I'm using this is a white sauce, Classico Alfredo sauce, and you can get from any store. Right now, I just put it in a pan and I put olive oil as well. And my pasta is boiling on a side. So, मैं pasta को boil कर लूँगी and फिर after मैं broccoli को भी boil करूँगी. And इसमें मैं use कर रही हूँ black peppers and salt. आप according to taste डाल सकते हो जो भी आप like करते हो इसमें. एंड पास्ता बॉईल होने के बाद मैंने ब्रोकली को बॉईल करना स्टार्ट कर दिया है एंड ब्रोकली भी बॉईल हो चुकी है एंड एक साइड पे जो सॉस हमारी बन रही थी उसको वो अच्छे से मैंने पका ली है। अब मैं उसमें ब्रोकली ऐड कर रही हूँ। आप सॉस को अच्छे से पका लें लो हीट पर, जब वो अच्छे से पक जाए फिर आप उसमें ब्रोकली डाल सकते हो। अब इसे सॉस में अच्छे से मिक्स कर लें एंड आपको जस्ट 2-3 मिनट्स ही इसको पकाना है, क्योंकि जो ऑलरेडी बॉयल्ड है आपको ज़्यादा पकाना नहीं है। एंड नाउ मैं एडिंग पास्ता जो हमने पहले बॉयल किया था वो मैंने ड्रेन कर लिया एंड वो मैं इसमें अब मिक्स कर रही हूँ सॉस में। जस्ट वेट करें 2-3 मिनट्स, देन ये डन है। आपको और कुछ नहीं करना। नाउ एडिंग बेसल। दीज आर स्पाइसेस, बेसल, ओरेगानो, पर्सली। अगर आप लाइक करते हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ गुड फॉर टेस्ट एंड दिस इज़ रियली गुड फॉर हेल्थ। एंड नाउ एडिंग ओरेगानो। मैंने पहले बेसल को ऐड किया है एंड जस्ट मिक्स इट, ऐड इट एंड मिक्स इट। नाउ हियर्स इट। सो किड्स आज लेकर जा रहे हैं पास्ता एंड ब्रोकली, ब्रोकली पास्ता, एप्पल, ब्लूबेरीज एंड कीवी। एंड ऑल्सो यू कैन चेक कौन सा मैं लंच बॉक्स यूज़ करती हूँ किड्स के लिए। इनका सेल्डा वीडियो में है। आज वो थोड़ा ऐसा फूड लेकर जा रहे हैं, इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ दिस थर्मस, क्योंकि इसमें गर्म रहता है फूड। या आपने ये रेसिपी देखी? या ये रेसिपी बहुत ही इजी है। आप इसमें इंस्टेड ऑफ ब्रोकली और कोई भी वेजिटेबल्स आप इसमें यूज़ कर सकते हो। बहुत ही इंस्टेंटली ये बन जाता है। एंड अगर आप वाइट सॉस नहीं यूज़ करना चाहते तो आप रेड सॉस, पास्ता सॉस यूज़ कर सकते हो, पर दिस इज़ अ डिफरेंट वे टू मेक अ पास्ता। ऑलरेडी वीडियो डाली थी अपने इनडोर प्लांट्स पे, अगर आपने नहीं देखी तो वो देखना। उसमें भी घर को डेकोरेशन करने के बहुत से आइडिया हैं, लाइक आप अपने घर में प्लांट्स कैसे रख सकते हो एंड प्लांट्स को कैसे डेकोरेट कर सकते हो। और भी उसमें बहुत से टिप्स दिए हैं मैंने, जो इनडोर प्यूरीफाई प्लांट्स होते हैं जो अंदर रखने के लिए अच्छे होते हैं, एयर को क्लीन करते हैं, वो भी मैंने वहाँ पे दिखाए हैं कौन कौन से हैं। बहुत सी मैंने टिप्स उसमें दी हैं, वो वीडियो चेक करना। मैंने लैंडस्केपिंग वीडियो भी डाली थी जो मैंने अपने फ्रंट एंड बैकयार्ड में की थी, वो भी देखना। एंड आज उससे ही रिलेटेड, लाइक डेकोरेशन से रिलेटेड ही मैं आपको टिप्स देने वाली हूँ। बर्च ट्री, इफ़ यू हैव अ बर्च ट्री, इफ़ आपको पता नहीं है मैं आपको शो करूँगी, शायद आपको देख कर पता चल जाए कि बर्च ट्री क्या होता है।
उसका मैं आज आइडिया देने वाली हूँ कि आप उससे DIY करके अपने घर को कैसे डेकोरेट कर सकते हो, लाइक डिफरेंट वे. ओके, पर मैंने वो प्रोजेक्ट ऑलरेडी डन किया हुआ है, ऑलमोस्ट 2 years हो गए हैं, बट गिविंग यू ऑल द डिटेल्स सो यू कैन गेट लाइक दिस. ओके, सो लेट्स सी. सो ये मैं आपको शो करने वाली हूँ. ये मैंने एक्सेंट वॉल क्रिएट की है. पहले मैं आपको फुल लुक दे दूँ इसकी. सो दिस इज अ बर्च ट्री, इफ यू डोंट नो. ये देखने में वाइट होता है एंड इसकी ये ब्रांचेस भी होती हैं ऐसे. सो ये मैंने बनाया, ये इसका आइडिया देती हूँ आप कैसे बना सकते हो. सो फर्स्ट आपको फ्रेम बनाना है. आप रेक्टेंगल यूज़ कर सकते हो, स्क्वायर यूज़ कर सकते हो, जैसे मैं आपको शो करती हूँ वहाँ पे. ऊपर मैंने स्क्वायर यूज़ किया है एंड ये रेक्टेंगल है. साइड पे भी रेक्टेंगल है पर उसमें मैंने लॉन्ग यूज़ किए हैं, इसमें शॉर्ट यूज़ किए हैं. आप अपने अकॉर्डिंग जैसे भी आपको साइज दिस दैट अच्छा लगता है आप बना सकते हो. सो पहले आपको फ्रेम बनाना है. फ्रेम मैंने बेस बोर्ड जो होते हैं नीचे, मैं आपको शो करती हूँ बेस बोर्ड क्या होता है. वो जो वॉल के नीचे होता है ना, वैसा प्लेन में भी आता है. ये प्लेन है एंड आप अकॉर्डिंग अपने साइज से वाइडर थिन जैसा भी आपको चाहिए ले सकते हो. सो आपको फ्रेम जस्ट बनाना है. तो यहाँ मैंने पहले नो नेल ग्लू करके फिर इसमें नेल्स की है सो वो अटैच हो जाए. एंड फिर जो ट्री की जो ब्रांचेस हैं हमने कट की है उसको भी आप स्क्योर कर सकते हो. जैसे मैंने नेल किया है इससे ज़्यादा सिक्योर हो जाता है बिकॉज़ ये हैवी होता है, इसलिए आप नेल्स यूज़ कर सकते हो और नो नेल ग्लू भी यूज़ कर सकते हो. जस्ट इसको अटैच करना है जैसे यहाँ, एंड दिस ब्रांच यहाँ ऑलरेडी स्क्रू हो चुका है एंड यहाँ इसके लिए ऐसे ही नीचे उसके स्क्रू किए हुए हैं. एंड ये मैंने आप ऐसे ब्रांचेस यूज़ कर सकते हो लाइक जैसे भी आपको अच्छा लगे डिज़ाइन कर सकते हो इसमें. एंड ये फ्रेम बन गया एंड ये वाला लंबा है थोड़ा लॉन्ग है, इसमें लॉन्ग यूज़ किए हैं. सो आप ऐसे भी बना सकते हो. सो सम पीसेस मैंने इसमें ऐड किए हैं, जैसे मैंने बाय किए एंड ऐड किए लाइक दिस पिक्चर एंड दिस वन. सो मोस्टली वो भी मैंने बनाया. वो थोड़ा शॉर्ट छोटा है, लाइक वो थोड़ा शॉर्ट है इन अ स्क्वायर एंड दीज टू पिक्चर्स आई एड इन दिस. एंड दिस इज़ द मिरर. ये बिल्डर से मिरर था इन माई वॉशरूम एंड आई रिप्लेस्ड इट एंड आई पुट इट समथिंग गुड ओवर देयर एंड आई मूव्ड इट देयर. आई डिडंट थ्रो इन अ गार्बेज सो आई रीयूज दिस. एंड आप इसके ऑल अराउंड फ्रेम भी कर सकते हो बट मुझे थोड़ी लाइक फ्लश प्लेन लुक चाहिए थी इसलिए मैंने फ्रेम नहीं किया. आप फ्रेम कर सकते हो एंड इंस्टेड ऑफ इसे गार्बेज में फेंकने की बजाय आप मिरर को यूज़ कर सकते हो. वो भी मैं आपको लेटर ऑन वीडियोज़ में बताऊँगी कि कैसे आप रीडिज़ाइन कर सकते हो. सो दिस इज ऑल माई एक्सेंट लुक लुक्स लाइक. होप आपको अच्छी लगे. ऐसे आप बना सकते हो DIY. जस्ट बर्ड ट्री लेकर आए एंड क्रिएट करें बॉक्सेस में. तो कैसे लगा बर्ड ट्री आइडिया? सी दिस इज वेरी इजी है, आप DIY कर सकते हो एंड एक्सपेरिमेंट करें. मैं ऐसे एक्सपेरिमेंट करना लाइक करती हूँ एंड समथिंग डिफरेंट क्रिएट करती हूँ अपने अकॉर्डिंग. सो अगर आपको अच्छा लगे आप भी बनाएं एंड ब्रांचेस को अच्छे से नाइस क्लीन करके. एंड क्लियर स्प्रे मिलती है स्टोर से, वो क्लियर स्प्रे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप पहले लगा सकते हो. अच्छे से ड्राई करें, क्लीन करें, स्प्रे करें, देन फ्रेम बनाकर उसमें जस्ट स्क्रू करें और नो नेल ग्लू यूज़ कर सकते हो. जो मैंने आपको मिरर का बताया, अगर आप
आपके पास बिल्डर के मिरर्स हैं, आप उसे यूज़ नहीं कर सकते, उसे रीडिज़ाइन कर सकते हो, वो भी बताऊंगी कैसे। अगर आपको ये अच्छा लगे तो ट्राई ज़रूर करना। कि ये आज का मेरा आपके लिए यही टिप्स था डेकोरेशन का, कि आप इसे करें। अगर आप DIY ऐसे करते हो तो वो अच्छा लगता है घर पे। एंड कलर का जो भी कॉम्बिनेशन है वो भी देखें। मैंने अपने घर का मोस्टली कलर ग्रे वाइट किया हुआ है, सम ब्लैक और ब्राउन, एंड इन कॉम्बिनेशन से ही मैं अपने घर को डेकोरेट करती हूँ। या कलर का कॉम्बिनेशन हमेशा अपने ब्रेन में रखें कि ये कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, फिर जो भी आप बनाते हो तो वे फिर बाद में बहुत अच्छा लगता है। फॉर दिस ब्लॉग जस्ट इनफ, विल सी यू इन अनदर ब्लॉग और मेकअप ट्यूटोरियल। इफ़ यू आर वॉचिंग मी फर्स्ट टाइम, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, लाइक कॉमेंट एंड शेयर। एंड वन मोर थिंग, हु जस्ट जॉइन मी, thank you so much from my heart. Love you a lot and we'll see you in the next video. Bye.